हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुजा और आप देख रहे हैं हार्ट केयर एंड प्रोटेक्शन पर बेस्ड हमारा ये खास शो जिसका नाम है हृदय संजीवनी माधवबाग। माधवबाग इंडिया का लीडिंग हार्ट केयर नॉन सर्जिकल मल्टीडिसिप्लिनरी क्लिनिक एंड हॉस्पिटल जिसने लाइफ थ्रेटनिंग हार्ट डिजीजेस को कड़ी चुनौती दी है। यहाँ मॉडर्न मेडिकल साइंस और एंशियंट आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स के ग्रेट कॉम्बिनेशन से हार्ट डिजीजेस को सक्सेसफुली ट्रीट किया जाता है। माधवबाग की बुनियाद रखी थी सुप्रसिद्ध वैद्य माधव साने ने। पिता के समृद्ध ज्ञान और अनुभव की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाया पुत्र डॉक्टर रोहित माधव साने ने। मॉडर्न मेडिकल साइंस में MBBS और फेलोशिप इन कार्डियक रिहैब की उपाधि लेने के बाद डॉक्टर रोहित साने ने एडवांस्ड आयुर्वेद पर रिसर्च करके डिजाइन किया इनोवेटिव हार्ट केयर ट्रीटमेंट और स्थापित किया देश का पहला आयुर्वेदिक कार्डियक रिहैबिलिटेशन सेंटर माधवबाग, जहां इन्होंने एंशियंट हीलिंग मेथड्स के साथ कॉन्टेम्प्रेरी एंड मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोचेस के कॉम्बिनेशन से कार्डियक केयर को दिया एक नया विजन। माधवबाग के रिसर्चेस को इंडियन हार्ट जर्नल ने भी स्वीकृति दी है। We are dedicated to healthy heart and healthy India at Madhavbaug. देश के कई शहरों में स्थित हैं माधवबाग के 2 मल्टीडिसिप्लिनरी हॉस्पिटल्स और 130 क्लिनिक्स, जहां डॉक्टर रोहित साने की गाइडेंस में स्किल्ड टीम ऑफ एक्सपर्ट्स द्वारा लाखों लोगों को बेहतर कार्डियक केयर की सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है। माधवबाग में हार्ट केयर एंड रिहैबिलिटेशन एक अभियान है। माधवबाग का मिशन है हृदय रोग मुक्त भारत का निर्माण। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रोहित साने, तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। वेलकम डॉक्टर रोहित। थैंक यू। दोस्तों, हार्ट फेलियर एक अपने आप में ही बहुत खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है। क्या समय रहते इसका पता लग सकता है? क्या इसका रिवर्सल पॉसिबल है? इन्हीं तमाम सवालों पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रोहित साने। अगर हार्ट डिजीज से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है तो आपको जुड़ना चाहिए माधवबाग से, जहां आपको तमाम सवालों के जवाब के साथ साथ मिलेगा इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी। माधवबाग से जुड़ने के लिए आपको बस मिस कॉल देनी है हमारे कार्डियक हेल्पलाइन नंबर पर और हमारे एक्सपर्ट्स की टीम आपको ज़रूर कॉन्टैक्ट करेगी। डॉक्टर रोहित, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हार्ट फेलियर के सिम्टम्स क्या होते हैं। अब होता क्या है ना, हार्ट फेलियर ये नाम जब सुनाई पड़ता है ना तो ऐसे ही ध्यान में आता है कि मेरा हार्ट फेल हो गया जी। हाँ, दिस इज व्हाट कम्स टू आवर माइंड। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे अपने को ठीक तरह से समझ लेना चाहिए, एक होता है एक्यूट हार्ट फेलियर, एक होता है क्रोनिक हार्ट फेलियर। एक्यूट हार्ट फेलियर मतलब मेरा हार्ट धाड़ से बंद पड़ जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्यूट हार्ट फेलियर। वही क्रोनिक हार्ट फेलियर मतलब धीरे 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 ग्रेजुअली मेरे हार्ट की ताकत कम होती चली जाती है, मेरे हार्ट के मसल्स कमज़ोर होते चले जाते हैं और उसमें से सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं। अब सिम्टम्स कौन से होते हैं, तो सिम्टम्स सबसे पहला होता है मुझे चलते वक्त, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त, दौड़ते वक्त मुझे सांस फूलती है, मुझे सांस लेने में तकलीफ होना चालू हो जाता है, मेरे पैरों पे सूजन आ जाती है, मेरे चेहरे पे सूजन आ जाती है, सीने में धड़ महसूस होना चालू हो जाता है। ऐसे छोटे छोटे सिम्टम्स अपने को देखने को मिलते हैं। आगे जाकर के जैसे ही हार्ट का मसल और थोड़ा सा कमज़ोर होते चला जाता है, उस हार्ट के मसल का चिल्लाना चालू हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीने में दर्द। लेकिन शुरुआत के स्टेजेस में अगर हम देख लें तो शुरुआत के स्टेजेस में हमको सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त, दौड़ते वक्त, ज़्यादा बातें करते वक्त, फ़ोन पर बात करते वक्त हमको सांस लेने में तकलीफ होती है, बातें करते वक्त तकलीफ होती है। इन चीज़ों को हमको समझ लेना है कि ये अगर चीज़ें हमको महसूस होती है, ये सिम्टम्स अगर हमको दिखाई पड़ते हैं तो ये सिम्टम्स अपने हार्ट फेलियर मतलब क्रोनिक हार्ट फेलियर के हो सकते हैं। एब्सोल्युटली डॉक्टर, जब हम हार्ट फेलियर के केसेस के बारे में सुनते हैं तो अक्सर उनको सर्जरीज, ऑपरेशंस ऐसा रेकमेंड किया जाता है, तो आप कैसे माधवबाग में इस चीज़ को नॉन सर्जिकली ट्रीट कर देते हैं? नॉन सर्जिकली इसको ट्रीट करना काफ़ी आसान सा चीज़ देखी जाती है। अब हमको कैसे करते हैं वो समझ के लेना है। नॉर्मली व्हाट वी डू इज हम लोग पंचकर्म के कोई प्रोसीजर्स करते हैं जिससे हम हार्ट के मसल को स्ट्रेंथ देते हैं। अब होता क्या है, अगर मेरे हार्ट के मसल में स्ट्रेंथ नहीं होती है तो मेरा हार्ट का मसल जो ब्लड पंप करता है वो निकल के पूरे शरीर को जाकर के सप्लाई करता है, लेकिन वापस जब घूम करके हार्ट के पास आने की नौबत होती है तो फिर से नीचे जाकर के पैरों में अटक के बैठता है, जिसके वजह से हमको सूजन दिखाई पड़ती है।
तो अब अपने को क्या करना है, तो सबसे पहली प्रोसेस जिसको हम स्नेहन बोलते हैं आयुर्वेद में, स्नेहन मतलब एक विशिष्ट तेल होता है जिससे हम पूरे शरीर को मसाज करते हैं, वो मसाज जो होता है दैट इज टूवर्ड्स द हार्ट, वो सारे बॉडी को हम लोग मसाज करके हम लोग सारा ब्लड का सप्लाई टूवर्ड्स द हार्ट लेकर के जाते हैं, और हार्ट के पास वो सारा का सारा खून का सप्लाई ला करके दे दिया, तो हार्ट के पास जो खून का सप्लाई नहीं आया था, जो पैरों पर बैठा हुआ था, उसको उठा करके हमने हार्ट के पास ला दिया। ये रही पहली प्रोसेस जिसको हम स्नेहन बोलते हैं। अब ये स्नेहन के बाद सेकेंड प्रोसेस होता है जिसको हम स्वेदन बोलते हैं। स्वेदन मतलब एक स्टीम का बॉक्स होता है जिसमें वो जो पेशेंट होता है उस स्टीम के बॉक्स में लेटे हुए रहते हैं, सिर और मुंह उनका बाहर होता है उस स्टीम बॉक्स के बाहर। अब उस स्टीम बॉक्स के अंदर हम लोग दवाई के काढ़े की स्टीम बना देते हैं, और वो स्टीम बना करके पूरे शरीर को हम वो बाफ देने की वजह से द बॉडी स्वेट्स आउट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोडियम एंड वाटर। मतलब अपने पूरे शरीर में से जो अपनी त्वचा होती है, जो अपने शरीर का सबसे बड़ा अवयव है, उसके थ्रू हम लोग बाहर निकाल देते हैं पानी और नमक, जिसका ज्यादा प्रेशर शरीर के अंदर होकर के खून को गाढ़ा कर रहा था। अच्छा। तो अब इस खून में से उस कचरे को हमने निकाल दिया, तो खून पतला हो जाता है, खून दौड़ने के लायक हो जाता है, और ये खून ऊपर जाकर के हार्ट के पास पहुंचना आसान हो जाता है, वो रश आप उसका रेगुलेट कर देते हैं। एब्सोल्युटली, दिस इज द सेकंड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस जो हम लोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हृदधारा। हृदधारा मतलब हार्ट के जगह पे हम लोग एक डो पकड़ते हैं और उसमें हम लोग एक स्पेशल काढ़ा बनाते हैं, एक स्पेशल डिकॉक्शन होता है, जो डिकॉक्शन हम उस हार्ट के जगह पे डालते हैं, जिसके वजह से लोकल मसल्स जो होते हैं इस चेस्ट के, जिसको हम लोग इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं, थोरैसिक मसल्स बोलते हैं, उन मसल्स पे आने वाला खून का सप्लाई जो है वो बढ़ जाता है, जिसके वजह से हमको चलते वक्त, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त, दौड़ते वक्त जो हाँफना पड़ता था वो अब कम हो जाता है उस प्रोसेस की वजह से। इसको तीसरे को हम लोग बोलते हैं हृदधारा। और चौथी चीज जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं बस्ती। बस्ती मतलब क्या है, तो इंट्रा रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। मतलब क्या, तो हम एक रेक्टम थ्रू हम लोग एक जो कैथेटर अंदर डालते हैं उसके थ्रू हम लोग 60-100 ml की दवाई अंदर डालते हैं, और वो दवाई वहाँ से एब्जॉर्ब होकर के हार्ट के पास साधारण 6 घंटों में पहुँच करके हार्ट के मसल को पंप करने के लिए ताकत निर्माण कर देती है। अच्छा। सो जो बेसिक प्रॉब्लम था हार्ट के मसल को पंप ना करवाने के वजह से, जो प्रॉब्लम हो रहा था जिसके वजह से सूजन अंदर पूरे शरीर में जमा हो रही थी, यस दैट इज बीन टेकन केयर ऑफ दिस नॉन सर्जिकली। सो हमको कोई ऑपरेशन बिना करे हुए हम लोग ने ये पूरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत आसान हो जाता है। Correct. इसमें ऑपरेशन की अपने को जरूरत नहीं पड़ती। एंड दिस होल थेरेपी इज नॉर्मली कॉल्ड एज हार्ट फेलियर रिवर्सल थेरेपी। मतलब ये पूरा हार्ट फेलियर जो था, क्योंकि हार्ट का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, तो हार्ट का प्रोफाइल होता है पंप करना, वो ही वो नहीं कर पा रहा तो एब्सोल्युटली, तो वो करवा के दे दिया, इस वजह से हार्ट फेलियर जो है वो रिवर्सल होते हुए अपने को दिखाई पड़ता है। अमेजिंग। दोस्तों, अगर आप या आपके अपने किसी भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से परेशान हैं और चाहते हैं एक नॉन सर्जिकल कार्डियक केयर के साथ सफल इलाज, तो आप जुड़ सकते हैं माधव बाग से। यहाँ के सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स आपकी मदद के लिए 24/7 अवेलेबल हैं। माधव बाग से जुड़ने के लिए आपको बस मिस कॉल देना है हमारे कार्डियक हेल्पलाइन नंबर पर, और हमारे एक्सपर्ट्स आपको ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे। डॉक्टर रोहित, लाखों पेशेंट्स जो माधवबाग से जुड़े हैं उन्हें माधवबाग से ट्रीटमेंट लेकर काफ़ी फ़ायदा हुआ, और हमारी टीम आपके ही पेशेंट से मिल भी पाई, तो मैं शेयर करना चाहती हूं कि उनका क्या रिस्पांस रहा। मेरा नाम एडवोकेट रत्नदीप भीमराव निकालजे है। मैं हमेशा मॉर्निंग वॉक करता था, तो 2-3 साल पहले मॉर्निंग वॉक करते समय सवेरे सवेरे मेरे छाती में थोड़ा सा अंगार सा महसूस होता था, इसीलिए मैंने नज़दीक के हमारे अहमदनगर के हॉस्पिटल में बताया, तो वहाँ पे मैंने मेरा एंजियोग्राफी किया। एंजियोग्राफी करने के बाद वहाँ के डॉक्टर ने मेरे को तुरंत बताया कि आपको 3 ब्लॉकेज है और 2 90% है और 1 75% ब्लॉकेज है, और आपको एंजियोप्लास्टी नहीं हो जाएगी, आपको सीधा बाईपास करना पड़ेगा। फिर माधवबाग में मेरे बड़े भाई साहब ने यहाँ ट्रीटमेंट लेके गए थे, तो फिर उन्होंने मेरे को ये माधवबाग में लेके आए। माधवबाग लेके आने के बाद मैंने वहाँ का यहाँ का माहौल देखा, माहौल देखने के बाद इतना अच्छा महसूस लगा, मैं तुरंत ही उस दिन यहाँ माधवबाग में एडमिट हो गया। माधवबाग में एडमिट होने के बाद मेरा दूसरे दिन से ट्रीटमेंट चालू हो गया, और मैंने यहाँ पे 7 दिन ट्रीटमेंट किया है। 7 दिन ट्रीटमेंट करने के बाद मेरा यहाँ कम से कम 5-6 किलो वेट कम हो गया है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा वो हार्ट का जो दर्द है वो पूरा ही चला गया है।
पहले तो मैं 4 किलोमीटर पैदल चलता था, मैं आज सवेरे 6 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, और ये सब मैं आज जो अच्छा चल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, ये सब माधवबाग की बदौलत से मैं चल रहा हूँ। दैट्स रियली अमेजिंग डॉक्टर, रियली अमेजिंग। दोस्तों, अगर इसी तरह आप भी किसी भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से परेशान हैं और ऐसा ही इलाज चाहते हैं, तो माधवबाग की ओर अपना कदम ज़रूर बढ़ाएं। मैं आपको ये बता दूं कि डॉक्टर रोहित साने एक MBBS डॉक्टर होने के साथ साथ आयुर्वेद को बहुत अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट कर आपको ये यूनिक कॉम्बिनेशन देते हैं, ताकि आप हार्ट रिलेटेड किसी भी समस्या से छुटकारा पा सकें। अगर आप भी माधवबाग से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको बस एक मिस कॉल देना है कार्डियक हेल्पलाइन नंबर पे, और हमारे एक्सपर्ट्स आपको ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे। डॉक्टर रोहित, ऐसे आपके पेशेंट्स का रिस्पॉन्स देखने के बाद हमको रियली यू नो इट गिव्स इमेंस प्लेजर। तो अगर हमें इतना अच्छा लगता होगा, आई एम श्योर यू वुड बी फीलिंग रियली ग्रेट अबाउट इट। एब्सोल्युटली ग्रेट, एब्सोल्युटली ग्रेट। क्या होता है ना, ऐसा सब देखने के बाद ज़्यादा फुर्ती आती है कि एक पेशेंट अगर इतना अच्छा बोल रहा है, तो मैं अगर 100 को ठीक कर दूँ तो 100 भी अच्छा बोलेंगे। तो यही करने की कोशिश रहेगी आगे। इट विल बी अ हेल्दी वेलबींग ऑल अराउंड। एब्सोल्युटली। डॉक्टर, हमको ये बताइए कि माधवबाग में किस हद तक डैमेज्ड हुए हुए हार्ट को फिर से रिजुविनेट कर सकते हैं, एंड कंपेयरिंग इट टू एलोपैथी, हाउ बेनिफिशियल इज दिस यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ योर्स? ओके, अब होता क्या है ना, डैमेज्ड हार्ट को नॉर्मली पैरामीटर से एसेस कैसे किया जाता है वो पहले समझ लेते हैं, मतलब अपने को आंसर वहाँ से रिलेट हो जाएगा। नॉर्मली अगर मुझे हार्ट अटैक आकर के गया है एंड आई गेट अ 2D इकोकार्डियोग्राफी डन, मेरा अगर 2D इकोकार्डियोग्राफी करके आप देख लेते हो कि मेरे हार्ट की जो इजेक्शन फ्रैक्शन, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 50-60% की नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन होना चाहिए, 50-60% ऑफ योर इजेक्शन फ्रैक्शन शुड बी वर्किंग, सो ऐसे स्टेटस का अगर नॉर्मल आदमी देख लेंगे और हार्ट अटैक आने के बाद समझो मेरा इजेक्शन फ्रैक्शन समझो 60% जो नॉर्मल चाहिए, इट हैज़ गॉट डाउन टू 50%, मे बी 40%, मे बी 30%, मे बी 20%, 20% तक के जो कार्डियक इजेक्शन फ्रैक्शन वाले पेशेंट है, वो आज तक हमने ऐसी अच्छे खासी तरह से ट्रीट किए हुए हैं। रहा सवाल एलोपैथी और अपना जो माधवबाग थेरेपी है उसमें कंपैरिजन करना, तो ये सवाल हमेशा अच्छी तरह से पूछा जाता है डॉक्टर्स की तरफ से भी एज वेल एज पेशेंट्स की तरफ से भी, कि हम लोग एलोपैथी की ट्रीटमेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस दें कि इस ट्रीटमेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस दें। तो दोनों की हमने एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल किया हुआ था। अच्छा। रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल किया था मतलब क्या था, तो कार्डियोलॉजिस्ट के हॉस्पिटल में हम लोग ने कार्डियोलॉजिस्ट से बात करके उनको बोला था कि आप ये ट्रायल कर लो आपके हॉस्पिटल्स में, क्योंकि हमेशा ये पूछा जाता था कि ट्रायल जो है वो थर्ड पार्टी होनी चाहिए, इसके लिए वी जस्ट टॉक टू द कार्डियोलॉजिस्ट, उनको हमने ये ट्रायल करने को बोल दिया था। अब उन्होंने किया क्या, तो 2 कार्डियोलॉजिस्ट के हॉस्पिटल्स तय हुए थे और उन्होंने उनके पास के पेशेंट्स उन्होंने उस ट्रायल में रिक्रूट किए थे, जिसमें ऐसा देखा गया था कि एक ग्रुप था जिसको सिर्फ एलोपैथी की ट्रीटमेंट दी गई थी और दूसरा ग्रुप था जिसको एलोपैथी की ट्रीटमेंट प्लस माधवबाग की ट्रीटमेंट दी गई थी। तो एट द एंड ऑफ 18 वीक्स, 18 हफ्तों के बाद ऐसा देखा गया था कि जो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स जिनको सिर्फ एलोपैथी की ट्रीटमेंट दी गई थी, उनमें जो इम्प्रूवमेंट थी वो इम्प्रूवमेंट और ये इम्प्रूवमेंट, मतलब ये जो ग्रुप था जिनको एलोपैथी प्लस माधवबाग की थेरेपी दी थी, दोनों की अगर कंपेरिजन की जब हम लोगों ने, तब ऐसा देखा गया था कि ये जो ग्रुप था एलोपैथी प्लस माधवबाग, उनमें इस ग्रुप से ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ी थी एलोपैथी प्लस माधवबाग के ग्रुप में। तो ये जो अपनी माधवबाग की कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है, आई वुड सजेस्ट कि एवरी हार्ट फेलियर पेशेंट कैन गो थ्रू दिस एंड इम्प्रूवाइज हिज क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ, एब्सोल्युटली। इट्स सो गुड कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला एंड यू आर वर्किंग फॉर सच अ नोबल कॉज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, आज हमने बात की हार्ट फेलियर रिवर्सल के बारे में। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है या कोई कन्फ्यूजन है, तो आप माधवबाग से संपर्क कर सकते हैं। माधवबाग से जुड़ने के लिए आपको हमारे कार्डियक हेल्पलाइन नंबर पर सिर्फ मिस कॉल करना है। हमारा नंबर है 07878758323 और 02-2334920005। आप हमें care@madhavbaag.org पर मेल भी कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप www.madhavbaag.org पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।
दोस्तों अब वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का। हम फिर मिलेंगे हृदय संजीवनी माधव बाग के अगले एपिसोड में और एक बार फिर बात होगी हार्ट रिलेटेड डिजीजेस के बारे में। तब तक अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।